सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मसीही तहरीक बेदारी के मरकजी रहनुमाओं चेयरमैन डॉक्टर आदिल गौरी शहजाद, इमरान सोत्रा, यूनस भट्टी, इमैनुअल नवाब एडवोकेट, प्रोफेसर राज भट्टी, प्रोफेसर दानिश, रफीक अंजम, आमिर गिल, एल्वन जॉर्ज और दीगर ने एक मुश्तरका बयान में हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि सूबे में अकलीती कोटे के 16,000 असामियां खाली है, इन पर तालीम याफ्ता बेरोजगार अकलीती नौजवानों की तकर्रियां की जाए ताकि अकलीतों में पाई जाने वाली गुर्बत और बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत पंजाब बड़ी तेजी से अपने तामीरी अहदाफ हासिल कर रही है, लेकिन ऐसी बर्क रफ्तार कारकर्दगी में अकलीतों के मफाद से पहलौती इनकी वजूद की नफी है, लिहाजा जरूरी है कि हुकूमत पंजाब अकलीतों के मसाइल के हल पर खसूसी तवज्जो दे।